नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। अगेती खीरे की खेती का सही समय क्या है, लगाने की उपयुक्त विधि और अगेती खीरे की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप अगेती खीरे की खेती करके एक एकड़ से 2.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम खीरे की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से हम खीरे की फसल में मिलने वाली आमदनी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती खीरे की खेती का सही समय क्या है। अगेती में आप खीरे के बीजों की बुआई सीधा खेत में 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। यह खीरे की खेती के लिए अगेती में बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए व फसल के अच्छे विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए आप अगेती में खीरे के बीजों की बुआई 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कर सकते हैं, पर फिर भी आप एक बार अपने एरिया का टेम्परेचर अवश्य चेक करें। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम है तो आप फरवरी के सेकेंड वीक में बुआई करें और अगर सेकेंड वीक में भी टेम्परेचर ज्यादा कम है तो आप फरवरी के तीसरे वीक में बुआई करें। इसके अलावा अगर आप जनवरी के महीने में खीरे के बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में डिस्पोजर ग्लास में पहले खीरे की नर्सरी तैयार कर लें और फिर फरवरी के महीने में खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट आप खेत में कर सकते हैं। अगेती में खीरे की बुआई का सही समय जानने के बाद में सवाल आता है कि हम खीरे की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें और बीज बुआई का सही तरीका क्या है। आप सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई कर लें और जुताई करने के बाद में आप 3 से 4 ट्रोल गोबर की खाद का छिड़काव अपने खेत में कर लें और इसे अच्छे से मिला दें। अगर आपके खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं तो आप मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर चला दें, जिससे हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। रोटावेटर चलाने के बाद में अगर आपके यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था है तो आप बेड बनाकर व मल्चिंग विधि की सहायता से आप खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हैं। एक बेड की चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें और एक बेड के टॉप से दूसरे बेड के टॉप के बीच की दूरी आप 6 फीट रखें। हम एक बेड के ऊपर खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और इन बीजों को आप जिगजैग तरीके से बो दें। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। आप बिना ड्रिप व मल्चिंग के खीरे की खेती कर सकते हैं। ड्रिप व मल्चिंग हमारी सहूलियत के लिए, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम बिना ड्रिप व मल्चिंग के खीरे की खेती नहीं कर सकते। हम बिना ड्रिप व मल्चिंग के भी खीरे की सफल खेती कर सकते हैं व खीरे की फसल से आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपके यहाँ पर बेड मेकर नहीं है तो आप ट्रैक्टर की सहायता से ही कुछ इस तरह से बेड़ों का निर्माण कर ले और फिर लेबर की सहायता से इन बेड़ों को अच्छे से बना ले। आप जो बीच में यह नाली देख रहे हैं इसके माध्यम से हम सिंचाई करेंगे। आप इन बेड़ों के ऊपर खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हैं। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी आप 5 से 6 फीट रखें। इस तरह से आप बिना ड्रिप व मल्चिंग के भी खीरे के बीजों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। अब जब आपकी खीरे की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हम बांस व तार का सेटअप बनाकर इन बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, क्योंकि अगर खीरे की बेल जमीन पर फैलेगी तो इसमें रोग भी ज्यादा लगते हैं और हमें उत्पादन भी कम देखने को मिलता है। इसलिए हम बांस व तार के सेटअप से खीरे की इन बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। तो बांस व तार का सेटअप लगाने के पहले आप कल्टीवेटर की सहायता से निंदाई व गुड़ाई कर दें। कल्टीवेटर की सहायता से जब आप निंदाई व गुड़ाई करते हैं तो इसमें आपका खरपतवार निकालने के लिए जो लेबर का खर्च आएगा वह नहीं आएगा। कल्टीवेटर को आप अमेजन से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद में हम बांस व तार का सेटअप तैयार करेंगे। बांस की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी तो हमारी 6 फीट ही रहेगी, लेकिन एक बांस से दूसरे बांस के बीच की दूरी हम 10 फीट रखेंगे और इन बांसों को हम GI वायर की सहायता से आपस में बांध देंगे। हम GI वायर की 4 रो लेंगे और इन वायर पे हम
धागा बांधेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर हम इन खीरे की बेलों को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। बांस व तार का जब हम सेटअप तैयार करते हैं तो इसमें हमारा खर्च 20,000 से 25,000 तक आता है, पर आप यह खर्च आधा कर सकते, किस तरह से कर सकते यह जानेंगे खीरे की उन्नत किस्म निकालने के बाद में। तो खीरे की कई सारी उन्नत किस्में हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में चार खीरे की सबसे उन्नत किस्म की जानकारी देता हूँ। पहले नंबर पर आती है हमारी सेमिनस की मालिनी, दूसरे नंबर पर भी हमारी सेमिनस की पद्मनी, तीसरे नंबर पर VNR कृष व चौथे नंबर पर सिजंता कंपनी की ग्लोसी वेराइटी आती है। आप इन चारों कंपनी में से जो भी आपके एरिया की उन्नत किस्म है उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीज के चुनाव के समय अपने एरिया के जो सफल किसान है खीरे की खेती के, उनसे बातचीत कर सकते और उनसे जान सकते हैं कि आपके एरिया की खीरे की फसल के लिए सबसे उन्नत किस्म कौन सी। अब हम बात करते हैं जो हमारा बांस व तार का सेटअप करने में 20,000 से 25,000 के बीच में खर्च आया था, इसे हम आधा किस तरह से कर सकते हैं। जब आप फरवरी में खीरे के बीजों की बुआई करेंगे तो आपके खीरे की फसल की समय सायकल अप्रैल से मई महीने तक चलेगी। तब आप इसी सेटअप के ऊपर दोबारा से जून और जुलाई के समय खीरे के बीजों की बुआई कर दें। इस तरह से जब आप दूसरी बार में खीरे के बीजों की बुआई करेंगे तो आपको बांस व तार के सेटअप जो खर्च आएगा वह खर्च नहीं आएगा। इस तरह से बांस व तार का सेटअप करने में आपका एक ही बार खर्च आएगा और आप दो बार खीरे की फसल से उत्पादन ले लेंगे। इस तरह से आप बांस व तार के सेटअप में आने वाले खर्च को आधा कर सकते। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम खीरे की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आप खीरे की फसल के साथ में मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, लेटस, गेंदा, प्याज, मटर और मक्का की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम खीरे की फसल के साथ में इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें। अगर आप खीरे की फसल के साथ फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप खीरे की जो दो लाइन है इसमें खाली पड़ी जगह पर आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप फूल गोभी की सिर्फ दो ही रो लें, वो भी सेंटर में। अब हमने फूल गोभी की सिर्फ दो ही लाइन ली है। हमने यह दो लाइन इसलिए ली है ताकि हमारी फूल गोभी की फसल पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से आए और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह अच्छी तरह से हो। अब अगर हम यहाँ पर चार लाइन लेते तो जो कॉर्नर में हमारी फूल गोभी की लाइन है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से नहीं आता और हमारी फूल गोभी की फसल खराब हो जाती। इस कारण हमने फूल गोभी की सिर्फ दो ही लाइन ली। आप फूल गोभी की तरह ही पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, लेटस इनकी भी इंटरक्रॉपिंग कुछ इसी तरह से कर सकते हैं। खीरे की फसल में कौन से कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है इस पर हम जल्द ही एक वीडियो डिटेल में लेकर आएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके खीरे की फसल से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।